नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद ये शाम का वीडियो आप सभी के बीच में प्रस्तुत हो रहा है। मिल्किंग का, इसकी जो बछिया थी ये काफ़ी बीमार थी, जो दूध पीने की योग्य नहीं है, उसको हो गया है गलघोटू। तो अब बिना बच्चे के ही सीता जिसको दूध निकालेंगे, लेकिन गाय इतनी क्वालिटी की है कि ये पैर नहीं उठाती, चाहे इसका बच्चा रहे या चाहे ना रहे, धन्य है ये गाय और बराबर दूध देगी। ये शाहीवाल नस्ल की गाय है, देसी वगैरह होती तो कैसे न लगती, परेशान कर डालती, लेकिन उनके सोत में दूध नहीं आता। लेकिन इसकी यही क्वालिटी है कि बिना बच्चे के भी दूध देती है, इसके सोत में दूध आ जाता है और पूरा दूध निकालती है। इस समय चरने नहीं जाती है क्या? ये देसी कंडा धुआं इनका इनके लिए, ताकि इनको मच्छर न काटे। इस गाय के छोटे छोटे सोत, तो इस तरह से दूध निकालते हुए बराबर चुटकियों को ये उपयोग कर रही हैं, अंगुली और अंगूठे को दबा करके दूध निकाल रही हैं। बिना बच्चे के किस तरह से चुपचाप खड़ी है और थोड़ी सी नोई बस लगी, और इसको इधर धुर भी रहे हैं। इसके खाने में थोड़ा सा, ताकि ये कूदे ना, इधर इसको खाना दिया गया है और ये इसमें थोड़ा थोड़ा लगातार जो है गेहूं का दलिया ये डाल रहे हैं बेवहर, और अभी कौठ लग अब कैठ लगनी है ये। अच्छा देखिए, बरसात में दूध लगाना बहुत टेढ़ी खीर भी है, क्योंकि अजीब तरह के जानवर मच्छर माछी जो है बिल्कुल बराबर प्रहार करते हैं और काटते हैं, तो जानवर को काटते हैं और लगाने वाले को भी काटने का प्रयास करते हैं और काट भी लेते हैं। तो देखिए आपके सामने खुजला रहे हैं पीछे, ये कहीं ना कहीं मच्छर ने काटा है, जबकि धुआं इतना तेज है, देखिए एकदम बराबर धुआं कर देते हैं ताकि मच्छर दूर दूर तक भाग जाए। ये पूरा धुआं आपको दिखाई दे रहा है हमारे वीडियो में लगातार, क्योंकि पीछे धुआं किया गया है और उपली जिसको बोलते हैं गोबर का कंडा जो यहाँ बनाया जाता है गाँव में, और उसी का धुआँ ये बराबर है। बहुत बढ़िया, एकदम फिल्मों में जिस तरह से धुआं दिखाई देता है, ये बात वर्तमान में वही धुआं चल रहा है आप लोगों के सामने, गजब का धुआं है। लेकिन गांव में ये धुआं जो है जीवन रक्षक है, गांव में इस धुआं को कर करके लोग अपनी जान बचा रहे हैं, मच्छरों को भगा रहे हैं, और यही धुआं जो है तो घर में होता है, पूरे घर में किया जाता है, जिसमें आग में नीम की पत्ती डाल देते हैं तो दूर दूर तक मच्छर आपको दिखाई नहीं देंगे, इतना जो है इस धुएं की क्वालिटी है। कितना बढ़िया कंडो के द्वारा ये सुलग रहा है, और
इसी के सहारे जो है तो गांव। हाँ देखिए, तमाम मच्छर बहुत परेशान करते हैं, अगर धुआं जो है ना हो फिर देखिए कितना मच्छर खाएंगे। पर धन्यवाद है इस धुआं का, धन्यवाद है गांव के लोगों का कि कितने सब कुछ सह करके भी दूध निकालते हैं, निकाल करके उसको उपयोग करते हैं, और शहर के लोग इसी दूध को खाते हैं। तमाम सप्लाई होता है, तमाम जाता है, जिसके पास ज़्यादा होता है वो बेचते भी हैं, निकालते भी हैं, क्योंकि गांव ग्रामीण की अर्थव्यवस्था इन्हीं चीज़ों पे निर्भर है जिनसे आमदनी होती है। वो इंतज़ार किए रहती है गाय है कि कब कोई मिल जाए उसको हम मारें। ये ब्लैक की जो गाय है दिख रही है आपको, ये बड़ी ख़तरनाक है, आराम से तो इस तरह से इसकी मिल्किंग हो चुकी है। ये नाद है जिसमें गाय को खाना देते हैं, नई नाद बनी, अभी इसको पलटेंगे और इसी में जो है तो खड़ा करके खाना देंगे इनको। तो इस तरह से इनके भोजन के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी में खाना दिया जाता है। और काफ़ी हरियाली चारों तरफ इस समय है, खेतों में, रस्तों में जो दूध निकल चुका है। नहीं हो गया, अब ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे वीडियो में।